आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा वेबसाइट जिससे आप पार्ट टाइम में कुछ अर्न कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.swagbucks.com। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो में किस किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है कि कैसे अर्न कर सकते हैं, अर्न करने के इसमें कौन कौन से मेथड हैं, जैसे कि सर्वे है, गेम्स है, एंड जो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं वो कि किस तरह से इसमें अमाउंट को रिडीम किया जाता है। एंड उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं वो ये कि किसके लिए ये ऐप यूजफुल है, कौन इसे अर्न कर सकता है, एंड क्या क्या इस ऐप के लिमिटेशंस हैं, इस वेबसाइट के लिमिटेशंस हैं, हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लॉग इन कर लेंगे। जिन लोगों ने साइन अप नहीं किया है, पहली बार इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे पहले साइन अप कर लेंगे। मेरा यहाँ पे साइन अप किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट लॉग इन करूँगी। यहाँ पे लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। एंड यहाँ पे कैसे हम वर्क करते हैं, चलिए हम इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे डेली बोनस है, ये कुछ लिस्ट हैं जो कि आप डेली कंप्लीट करके कुछ SB अर्न कर सकते हैं। जैसे डेली पोल है, डेली पोल में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, हैव यू एवर अटेंडेड अ स्टैंड अप कॉमेडी शो। तो यहाँ पे जो भी है आंसर आप डालेंगे तो आपको यहाँ से 1 SB मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ और भी हैं जैसे डेली सर्च, यहाँ पे डेली सर्च का ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ पे ये कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको ये जो टास्क है ये डेली बेसिस पे है। एंड डील ऑफ द डे, डेली डिस्कवर, सर्वे अटेम्प्ट करना, कंप्लीट करना है सर्वे को। एंड इसके लिए आप इस चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं और जो टाइम दिया गया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे और भी ऑप्शंस देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है आंसर, 3 मिनट का टाइम है, आपको कंप्लीट करना है एक सर्वे। यहाँ से सर्वे स्टार्ट होगा, इसके लिए आपको मिलेगा 5 SP। जब ये आप कंप्लीट कर लोगे तो नीचे वाला जितना है एक एक करके अनलॉक होता जाएगा, आपको सर्वे कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इससे भी 5 SP मिलेगा, यहाँ से भी 5 SP मिलेगा, यहाँ से 50 SP मिलेगा, यहाँ से 25 मिलेगा। ठीक, इसी तरह से आपको जो शो कर रहा है उतना SP आपको मिलेगा। एंड जब आप लॉग इन करते हैं यहाँ पे, तब भी आप कुछ SP मिलता है जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। एंड यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, क्लिक करना है और अर्न करना है। आज यहाँ पे कोई भी ऑफर नहीं है, जब ऑफर रहेगा तो आप लोग कर सकते हैं। एंड इस तरह से रिडीम करने के बाद, रिडीम करने के लिए जैसे कि यहाँ पे आपने 6 SP किया, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप करते जाओगे आगे आपका SP इंक्रीज होता जाएगा। जैसे कि आपने टास्क से किया, जैसे आपने सर्वे से किया, यहाँ पे गेम्स भी है, मैं आपको गेम्स भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ये सारे हैं, एंड जैसे जैसे आप ये कंप्लीट करते जाएंगे जितना SP है यहाँ पे वो आपको मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कुछ गेम्स हैं, इसमें आपको जो नीचे SP लिखा है वो SP आपको मिल जाएगा। एंड एक चीज़ और है, यहाँ पे जो बहुत सारे गेम्स हैं वो एंड्रॉयड के लिए हैं, तो जो लोग फ़ोन से इस चीज़ को एक्सेस करेंगे swagbucks.com को, उनके लिए बहुत अच्छा है। एंड मैंने बताया, मैंने जैसे कि पहले आपको बोला है कि इसमें हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि ये किन के लिए अच्छा हो सकता है। तो जो लोग स्टूडेंट हैं, स्टडी करते हैं, उनके लिए पार्ट टाइम में 1 आवर इस ऐप को दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप अपना 4 से 5 घंटा दे रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट 1 आवर देना है, फुल टाइम तो कभी सोचे ही नहीं। एंड ये स्टूडेंट के लिए एज पार्ट टाइम 1 आवर के लिए डेली अच्छा है, आप लोग वहाँ से कुछ अर्न कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे गेम ही खेल लिया,
वैसे भी आप डेली एक्टिविटी में कुछ एंजॉय तो करते होंगे, यहाँ पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ऐसा ईमेल आप डालिए जो कि आपके फोन में लॉग इन है। तो आप यहाँ पे वो ईमेल डालोगे एंड यहाँ पे उस ईमेल को कंफर्म करोगे। यहाँ पे कर देना है टिक, आई एम नॉट ए रोबोट, एंड यहाँ पे भी कर देना है टिक। इसके बाद कर देना है सेंड। आपको उस वाले जीमेल पे एक लिंक सेंड होगा एंड वहां से आप इस गेम को प्ले करोगे। जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया होगा कि इस स्टेज पे पहुंचने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो वो चीज़ है। आप यहाँ पे 862 SV अर्न कर लोगे। ठीक इसी तरह से और भी बहुत सारे गेम्स हैं, इनमें से आप कोई भी गेम खेल सकते हो जिससे कि आपको मिलेगा। जैसे है ये वाइल्ड फिश एंड्रॉयड के लिए है, एंड्रॉयड पे वो लिंक जाएगा। तो इसमें भी कितना आप अर्न कर सकते हो, 2014 SV आप इसमें अर्न कर सकते हो। ठीक है इसी तरह से यहाँ पे और भी गेम्स है, जैसे कि यहाँ पे है ये 411 मिलेगा। एंड यहाँ पे आपने अब तो ये अर्न कर लिया है। ठीक है अब अर्न करने के बाद इस अमाउंट को हम अपने पास कैसे लाएंगे, इसे हम निकालेंगे कैसे, रिडीम कैसे करेंगे, अब इस चीज को देख लेते हैं। तो रिडीम करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन है रिडीम योर SV, यहाँ पे जाएंगे। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब आपके पास 800 SV हो चुका है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक फ्लिपकार्ट का 500 का वाउचर ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस वेबसाइट की लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशंस यही है कि आप डायरेक्टली अपने अकाउंट में पैसा नहीं डाल सकते हो। यदि हम डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसे डाल पाते तो वो बहुत ही अच्छा होता कि हम अकाउंट नंबर डाल देते हैं एंड वहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जैसे आपको फ्लिपकार्ट से कुछ भी परचेज करना है तो वहाँ पे ये 500 यूज़ होगा, वो आपको 800 SV का मिल जाएगा 500। यहाँ पे 1600 SV है तो 1000 का आपको एक फ्लिपकार्ट वॉचर मिल जाएगा। एंड यहाँ पे और भी ऑप्शन हैं, बहुत सारे हैं, अमेजन का है, फ्लिपकार्ट है, ये सब है, बहुत सारा है और भी। तो आप इन सब चीज़ों के जरिए निकाल सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे पेनियर का ऑप्शन है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेनियर का अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड वहाँ पे आप पैसा निकाल सकते हो। उसके बाद आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। तो यही चीज़ है, आज यहाँ पे पेपाल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वो भी रहता है, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हो। उसके लिए भी क्या करना होगा, आपको पेपाल का अकाउंट बनाना होगा एंड वहाँ पे इस अमाउंट को लेना होगा। जैसे कि आपके पास 16 SV हो जाएगा तो आपको 1000 मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे 10200 SV है तो 102 मिल जाएगा। यहाँ पे जो डेली बोनस है वो तो ज़्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन आप जब देख रहे होंगे जो गेम्स है, गेम्स में यहाँ पे काफ़ी पॉइंट्स मिल जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2435 है। तो ये सब अमाउंट जो है, जैसे 2014 है, तो इन सभी अमाउंट से एक अच्छा SV कलेक्ट हो सकता हो। और यदि वो SV कलेक्ट हो जाता है तो आप यहाँ से रिडीम भी कर सकते हैं। रिडीम अमाउंट है 1600 का, जैसे 1000 है यहाँ पे। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप रिडीम कर पाओगे। तो आई थिंक ये एक अच्छा मतलब अर्निंग का सोर्स हो सकता है, लेकिन एज अ पार्ट टाइम ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इसे बहुत ज़्यादा ही अर्न कर लोगे, लेकिन हाँ एक बहुत ही अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो जो कि आपके डेली नेसेसरी के लिए खर्चा करने के लिए हो सकता है। तो ये स्टूडेंट ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा दिन डेली 1 आवर देना है, उससे ज़्यादा इसे आपको इस वेबसाइट को नहीं देने में ही आपका फायदा है एंड दूसरे स्किल्स पे वर्क करना करना है आपको। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा एंड आपको एक बहुत ही अच्छा वाला अर्निंग का सोर्स पता चला होगा, एज अ पार्ट टाइम आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।